मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सभी को? उम्मीद है बढ़िया भाई, जहाँ रहो मस्त रहो, मौज काटो, खूब पैसे कमाओ। क्या भाई कैसे देखो हमारे नॉलेज प्रेडिक्शन ज्ञान और टिप्स है। और हाँ भाई एक बात बता दूँ, जो भी नए यूजर जो भी नए भाई अभी हमारे चैनल पहली बार आए तो भाई साइड स्क्रीन पे देखिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा हो तो भाई ज्वाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? देखो लाइन अप आने के बाद मैं अपनी फाइनल टीम और भाई मेरा जो होता है मेरा लॉस, मेरा जो भी होता है मेरा प्रॉफिट, ऑल स्टेटस सारा शेड्यूल आपको इसी टेलीग्राम ऐप पे देखने को मिलेगा। तो भाई ज्वाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। जिन भाई लोग को, जिन नए यूजर को अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं क्या करूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हो। तो भाई जुड़ जाओ, पैसा नहीं लगता, फ्री। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी नए यूजर जो भी नए भाई आए तो हमारी इस चैनल को क्या करना भाई, हमारी इस वीडियो पे, इस जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को 4 से 5 मिनट देख के, अगर मैं बोलूंगा कुछ, अगर आप सीख के नहीं जाते हो, कुछ हमसे नॉलेज गेन करके नहीं जाते तो हमारे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना, हमें डिसलाइक कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई आप वीडियो को 4 से 5 मिनट देखो, हार जीत तो भाई अपने जगह, सभी लोग हारते भी हैं, लोग जीतते भी हैं। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, जो चीज जो ज्ञान इस वीडियो से मैं आपको दूंगा, हो सकता है आपको लाइफ टाइम तक काम हो। जैसे पिच रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, प्लेयर के बारे में आनी थी, मतलब ETC, इसी से रिलेटेड आपको, क्रिकेट से रिलेटेड ही मैं आपको ज्ञान शेयर करूंगा। तो भाई ज्ञान लो और पैसे छापो। इधर आइए भाई, देखो 5th T20 मैच एशिया कप, भाई आप जानते हो लड़कियों का एशिया कप स्टार्ट हो गया, ओमैन का। भाई देखो जो भी भाई लोग अभी कंफ्यूजन में हो कि मैं किसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई मैं आपको बता दूं, भाई इधर देखो 5 T20 मैच एशिया कप किसका, ओमैन लड़कियों का एशिया कप चल रहा है, ठीक है? तो भाई ध्यान सुनिएगा, भाई इधर देखो टीम किसके किसके बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। तो भाई इधर देखो इंडिया ओमैन VS UAE, तो भाई UAE का UAE ओमैन, तो भाई मैं आपको इनका पूरा मैच देखो भाई, यू से यूनाइटेड, ए से हो गया एमिरेट्स, ई से हो गया एमिरेट्स, यूनाइटेड अमेरिका, यूनाइटेड एमिरेट्स, यूनाइटेड यूनाइटेड भाई USA, मतलब यूनाइटेड इमरेटिस, मतलब यूनाइटेड इमरेट्स वुमेन के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है? तो भाई देखो आज की वीडियो में आपको क्या क्या ज्ञान दूंगा, तो फॉर एग्जांपल पे तौर के बता दूं भाई, मतलब आज की वीडियो में आपको क्या क्या ज्ञान देने वाला उसके बारे में जान लो। भाई इधर देखो प्लेइंग 11 टीम बताऊंगा, भाई इधर देखो इंडिया VS UAE यूनाइटेड इमरेट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम बताऊंगा, और भाई मैं आपको प्लेयर के बारे में की स्टैट बताऊंगा जो कि आपको बहुत काम की चीज है, ठीक है? अभी इधर देखो भाई पिच रिपोर्ट, भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिच रिपोर्ट की। देखो भाई अगर आप पिच रिपोर्ट जान जाते हो तो भाई आपका 75% काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? देखो आप जान जाओगे जो यूनाइटेड अमेरिका स्टेट के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है, मैं मतलब बता दूंगा इंडिया यूएई के बीच में जो मुकाबला खेला जा रहा है किस पिच पर खेला जा रहा है, तो आप जान जाओगे इस पिच पर बल्लेबाज को, मनपिंता गेंदबाज को जानोगे, एक अच्छी टीम बनाओगे, पैसे कमाओगे, ठीक है? तो भाई इधर देखो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड, भाई देखो इन दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड बताऊंगा, इंडिया VS UAE के बीच में इन दोनों टीम के बीच में एड टू एड मैच रिकॉर्ड बताऊंगा कि मतलब कौन सी टीम जो है मजबूत है, कौन सी टीम जो है कमजोर है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक? अभी इधर देखो भाई प्लेयर प्रेडिक्शन, भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्लेयर प्रेडिक्शन की भाई अब किस प्लेयर के ऊपर 25 रन का सेशन क्या करोगे, यस करोगे, और किस प्लेयर के ऊपर 25 रन का सेशन क्या करोगे, नोट करोगे, हाँ और ना में जवाब दे के आप हमारी वीडियो की मदद से पैसे कमा सकते हैं। तो भाई कमा लेना, आलस ना करना। अभी इधर देखो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन, भाई इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ऐसे 5 प्लेयर ट्रम्प प्लेयर बताऊंगा जो कि ये 5 ट्रम्प प्लेयर आपके टीम में रहना इम्पोर्टेंट, आप इन्हीं 5 ट्रम्प प्लेयर में को किसी 2 प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, बेस्ट चॉइस रहेगा। तो वीडियो देखते रहो, अभी आगे सब क्लियर करते हैं। अभी इधर देखो भाई टॉस प्रेडिक्शन, हु विल विन द टॉस, मतलब आज के मैच में इंडिया VS UAE के बीच में आज का जो है टॉस कौन वान करेगा, इसके बारे में भी आपको कंफर्म पता चल जाएगा। तो चलिए भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, इंडिया ओमैन के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लेते हैं किसके बारे में। भाई इधर देख लो, आप जान लो इंडिया, भाई देखो इंडिया ओमैन प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लो कि भाई आज के मैच में आपको इंडिया की प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या देखने को मिलेगी। तो भाई जो प्लेइंग 11 टीम न्यूज बताऊंगा वही प्रॉपर प्लेइंग 11 टीम न्यूज आज के मैच में आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई देखो, भाई इधर देखो सौफाली वर्मा, स्मृति मंदरा, डी हेलमंत, एच करूर, जे जो ड्रूस पीयर, देखो रिचा घोष, दीप्ति शर्मा, भाई देखो दीप्ति शर्मा क्या है, ऑलराउंडर है, ठीक है? अजय पूजा वस्त्रकार, ये भी ऑलराउंडर, यादव, रेणुका सिंह, श्रेयका पाटिल, ये देखो भाई आपकी इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज होने वाली, देख लो समझ लो। अब भाई चलिए बात करते किसके बारे में, बात करते प्लेयर के की स्टैट के बारे में, मतलब मैं आपको प्लेयर के बारे में नॉलेज देता हूँ कि भाई कौन सा प्लेयर कैसा, इसके बारे में जानो, लाइफ टाइम तक काम आएगा जब तक इंडियन फैंटेसी जिंदा रहेगा। तो भाई जो प्लेयर के बारे में बताऊंगा आपको लाइफ टाइम तक बना ताबड़तोड़ रहना, तब ज्ञान रहेगा आपके पास, तो आप पैसे कमाते रहोगे।
अभी इधर देखो शेफाली वर्मा भाई, देखो मैं बता दूं शेफाली वर्मा भाई जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर दिए ना भाई, तो भाई मैं बोलूंगा हर टाइम इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो कोई लीग हो, चाहे वो आईपीएल है, चाहे वो कोई एशिया कप हो, तो भाई मैं बता दूं जब शेफाली वर्मा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है, और भाई आज के मैच में इसको आप ट्रम्प कार्ड भी बना सकते हो जब ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तो। और भाई इसके बारे में एक पॉजिटिव भी बताता हूँ, जब शेफाली वर्मा सेकेंड इनिंग में बैटिंग करे तो भाई अपने टीम से इनको सीधा ड्रॉप भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ भाई। देखो जो शेफाली वर्मा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय बिल्कुल सेफ खेलेंगी, मतलब अप्रोक्स में बताऊंगा, मैं बोलूंगा बॉलर और जो इनकी बैटिंग करने का तरीका जो है मैं बोलूंगा एकदम समझ कर रुक कर स्टार्टिंग से मैं बोलूंगा एक जिम्मेदारी वाला ये बैटिंग करते हैं जब ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं शेफाली वर्मा तब। लेकिन जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती तो भाई मैं बोलूंगा धुआंधार पारी खेलेंगी, मतलब आपको कैमियो पारी खेलते हुए दिखेंगी, और भाई ये आपको 15-20 बॉल में हो सकता है कि 40-45 रन भी मार के चली जाए। लेकिन भाई मैं बता दूं जो ये रन बनाएगी सेकेंड इनिंग में बहुत रिस्की, और मैं बोलूंगा ताबड़तोड़ रन बनाएगी। तो मैं बोलूंगा जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करे तो अपने टीम से सीधा इनको ड्रॉप मारना। लेकिन अगर मान लो अगर आपको लगता है कि आज के मैच में उम्मीद करना है कि रन बनाएंगे, तो भाई आज के मैच में मैं बता दूं, देखो भाई जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करी तो भाई आज के मैच में 30-40 से उम्मीद ना करना, मैं बोलूंगा इतना भी ना करना सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते समय। लेकिन भाई आज के मैच में शेफाली वर्मा अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो भाई आज के मैच में आप कितना 40-50 रन की उम्मीद कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम 40-50 उम्मीद कर सकते हो आज के मैच में। लेकिन जब ये सेकेंड इनिंग बैटिंग करती तो रिस्की पिक है। क्यों? क्योंकि भाई ये देखो हर बॉल पे चौके छक्के मारेंगे, हर बॉल को हवा में उड़ा के मारेंगी, रिस्की वाला शॉट खेलेंगी। मिला जुला के मैं बता दूं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय सेफ ऑप्शन है शेफाली वर्मा, और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते समय थोड़ा रिस्की है। मैं बोलूंगा ज्यादा भरोसेमंद वाला प्लेयर नहीं है सेकेंड इनिंग में, तो सीधा अपने टीम से इनको क्या करोगे सेकेंड इनिंग में ड्रॉप मारोगे। ठीक है, अभी पे देख लो भाई स्मृति मंदना भाई, मैं बोलूंगा लड़कियों के उम्र में भाई ताबड़तोड़ खेलने वाली स्मृति मंदना, तो भाई इसके बारे में सुनो भाई। देखो ये ताबड़तोड़ है, स्पिन गेंदबाज को भी अच्छा खेलती है, तेज गेंदबाज को भी अच्छा खेलती है, मिला जुला इनकी जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस ही, और भाई इधर जो रन बनाने की जो इनकी कॉन्स्टेंसी चल रही पूरी लगातार चल रही, तो भाई आज के मैच में भी आप उम्मीद कर सकते हो जब स्मृति मंदना, और भाई इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा, स्मृति मंदना फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे सेकेंड इनिंग बैटिंग करे आप भाई डिस्कस करोगे दिमाग में आपका भाई आज के मैच में कब ले कब ड्रॉप भरे। तो भाई आज के मैच में अगर स्मृति मंदना भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो भाई सीधा अपने टीम से ड्रॉप मारोगे। क्यों मारोगे अभी रीजन बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको लगेगा हाँ भाई। इधर देखो भाई दूसरे इनिंग में बैटिंग करे तो अपने टीम में इनको रख सकते हो ताबड़तोड़। भाई देखो मैं क्यों बोल रहा है, भाई देखो स्मृति मंदना फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय थोड़ा क्या करती है इनका, देखो भाई स्टार्टिंग में देखो कि रुक कर खेलेंगी, बॉल और में रन की कंपेयर भी आप कर सकते हो, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो मैं बता दूं इनका क्राइटेरिया है आते ही चौके छक्का मारना, और सिंगल डबल वाले ये प्लेयर नहीं है, इसीलिए जमाने जाते हैं जाने जाते हैं, और भाई ये ऐसा किए और ऐसा रन भी बनाती तो भाई आज के मैच में भी अगर स्मृति मंदना मैं बता दूं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती तो आपके टीम में ड्रॉप मार सकते हो। अगर मैं बता दूं ड्रॉप मार दोगे सेफ ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन भाई सेकेंड इनिंग बैटिंग करते समय आप इनसे उम्मीद कर सकते हो, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते समय ये ज्यादा जिम्मेदारी वाला बैटिंग करती है, थोड़ा मैं बोलूंगा आपको लगेगा हाँ भाई एक एक्टिविटी से बैटिंग करती है ताबड़तोड़। और भाई इनके अंदर मैं बता दूं क्लास है, एक तरह से आप बोल सकते हो पूरा अनुभव एक्सपीरियंस, एक तरह से लॉन्गेस्ट सिक्स भी मार सकती है चौके छक्के, ये ज्यादातर क्या मारती है चौका मारती है। तो मैं बोलूंगा जो बैट्समैन भाई ज्यादातर हवा में बॉल को ना उड़ा के जमीन पे खेले वो बैट्समैन ज्यादातर सक्सेसफुल होता है और आगे होता ही रहेगा। तो भाई आज के मैच में मेरा यही उद्देश्य है कि स्मृति मंदना फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय सीधा ड्रॉप मारोगे, लेकिन सेकेंड इनिंग बैटिंग करते समय आप सीधा अपने टीम में रखे। क्यों? आज के मैच में सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते समय स्मृति मंदना से आप भाई 60-70 रन की उम्मीद कर सकते हो, अप्रोक्सिमेटली इतनी तो कर सकते हो सेकेंड इनिंग बैटिंग करते समय। और भाई जब इनकी पूरी हिस्ट्री आप चेक कर लोगे स्मृति मंदना जब ये सेकेंड इनिंग बैटिंग करती तो भाई मैं बताऊं बहुत बिगेस्ट स्कोर करती है, और भाई आज के भी मैच में आप कुछ अलग दिखने वाले। ठीक है, अभी तक देखो डी हेलमत मैं बता दूं पिछले कई मैच इनका जो परफॉर्मेंस कॉन्टेंसी है, मतलब एक तरह से रन बनाने की प्रक्रिया जो इनकी थोड़ी गड़बड़ हुई है, कभी कभार ये क्या बोलूंगा अपनी विकेट किसी को भी फेंक देती है, मतलब मैं बोलूंगा डी हेलमत तो प्लेयर ताबड़तोड़ अच्छी है लेकिन ये ज्यादा भरोसेमंद प्लेयर नहीं, क्योंकि भाई अपनी विकेट किसी को भी दे सकती है, मतलब स्पिनर हो फास्टर हो तेज गेंदबाज हो स्लोअर, मतलब किसी भी गेंदबाज को अपनी विकेट दे सकती। तो मैं बोलूंगा डी हेलमत ज्यादा मैं बोलूंगा
बोलूंगा, भरोसेमंद वाला प्लेयर नहीं, और इनका जो पिछला 3-4 मैच जो भी रहा हुआ इनका कुछ खास नहीं रहा, तो भाई सीधा इनको अपने टीम से ड्रॉप मारोगे, जाम ताम नहीं पालोगे ज्यादा। ठीक है, अभी तक देखो एच कौर भाई, देखो हरुण कौर मैं बता दूं ताबड़तोड़ बॉल, मैं बोलूंगा ताबड़तोड़ बैट्समैन है। ठीक है, अब भाई मैं बता दूं तो इस समय इंडिया की कैप्टनशिप कौन कर रहा है, हरप्रीत भाई, देखो एच कौर, ठीक है, एच कौर कर रही है और भाई ताबड़तोड़ है। और भाई मैं बता दूं, देखो भाई एक तरह से अब क्या करेंगी, ताबड़तोड़ खेल रही है। और भाई इनकी जो मैं बता दूं पिछले मैच में इन्होंने जो भी रन बनाए, चाहे 25 रन बनाए चाहे 30 रन बनाए, मतलब अप्रोक्स ये रन बना दी। लेकिन भाई आप उम्मीद करना कि आज के मैच में हरप्रीत कौर के आज के मैच में मैं बताऊंगा 20-25 रन से ज्यादा उम्मीद ना करना, क्योंकि भाई ये पूरे लय में नहीं दिख रही। और इन्होंने पिछले कई मैच से अभी तक इनका जो मैं बोलूंगा फ्लॉप वाला कंडीशन चल रहा था, और पिछले दो मैच से इन्होंने किसी में 20 रन बनाए किसी में 25 रन बनाए, तो बोलूंगा ज्यादा उम्मीद ना करना। अगर आपको आज के मैच में आपके अंदर से आ रहा है कि इसको रखना तो रखना, नहीं तो मेरे अंदर से तो भाई आ रहा है कि भाई आज के मैच में हरप्रीत कौर भी फ्लॉप जाने वाली है। ठीक है, अभी तक देखो जेज ऑडरसन भाई, देखो जो जेजरसन मैं बता दूं हिटिंग के लिए माना जाता है, मतलब ये हिटिंग के लिए माना जाता है, सेकेंड इनिंग चाहिए फर्स्ट इनिंग में, ये कभी ऊपर भी आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, कभी नीचे भी, इनका कोई फिक्स नहीं, क्योंकि भाई ये देखो हीटिंग का काम करती हैं। अगर इनको टीम को जरूरत है कि चौके छक्के मारना ही है तो भाई मारेंगी, इनकी विकेट की परवाह की ताबड़तोड़ खेलेंगे। तो भाई मैं बोलूंगा ऐसे दर प्लेयर जो होते ज्यादातर रिक्शे होते, क्योंकि भाई देखो इनको चौके छक्के मारने के लिए भेजा जाता है, और भाई मैं बोलूं कभी कभार मारते भी है, और भाई अपनी विकेट भी दे, तो भाई ज्यादा इनकी ज्यादातर विकेट जाने की संभावना जो होती ज्यादा रहती है। तो सीधा अपने टीम से इनको क्या करना, ड्रॉप माना। लेकिन अगर आपको अपने टीम में रखना भी हो तो भाई जो जोडासन को क्या करोगे, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते समय ट्राई करोगे, फर्स्ट इनिंग में तो भाई बिल्कुल ड्रॉप मारोगे। ठीक है, क्योंकि भाई फर्स्ट इनिंग में कुछ अलग ही करती है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा आपको रुक कर भी खेलती हुई दिख सके, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय बहुत ही ताबड़तोड़ खेलती है। ठीक है, अभी तक देखो भाई रिचा गोल, भाई देखो रिचा गोल्स की मैं बता दूं भाई बैटिंग बहुत नीचे, ये भी प्रॉपर बैटर है। ठीक है, लेकिन भाई इनकी भाई आप देख सकते हो बैटिंग कितने नंबर पे आ रही, भाई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे बैटिंग आ रही। तो भाई आप जानते हो कि T20 फॉर्मेट में 6वें नंबर पे बैटिंग आने का मतलब कि आधा से ज्यादा जो ओवर इसी तरह खत्म हो जाएंगे, तो भाई बल्लेबाज रन क्या बनाएगा। तो भाई सीधा क्या करूंगा, आज के मैच में रिचा घोष को भी आप ड्रॉप मार सकते हो, लेकिन आज के मैच में अगर आज के मैच में मैं बता दूं रिचा घोष फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तो ड्रॉप मारना, लेकिन भाई मैं बोलूंगा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय ये आपको सेफ ऑप्शन रहने वाली, और भाई आज के मैच में मैं बता दूं इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली, इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ट्रम्प कार्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी तक देखो भाई दीप्ति शर्मा मैं बता दूं ये प्रॉपर आपको क्या है, ऑलराउंडर, आपको स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखाएंगे। और भाई मैं बता दूं पिछले 2-3 मैच इन्होंने, मैं बोलूंगा भाई देखो ऑलराउंडर का रोल यही होता है कि भाई देखो आपको फैंटेसी पॉइंट से मतलब है, इनको मैं बता दूं भाई देखो ऑलराउंडर के बारे में बता दूं, भाई देखो अगर ये अपने बल्ले से नहीं कुछ कर पाते हैं तो ये बॉलिंग से कर देते हैं, भाई मैं बोलूंगा मिला जुला के आपको पॉइंट देते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे प्लेयर के लिए आपको छोड़ना इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है छोड़ना नहीं। ठीक है, दीप्ति शर्मा को भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो पिछले कई मैच में बताओ ये बल्लेबाजी में अपने फ्लॉप जा रही है, लेकिन बॉलिंग से मैं बोलूंगा उसी रंग और उसी में लय में। तो भाई आज के मैच में बता दूं बॉलिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर इन्होंने आज के मैच में बल्लेबाजी से भाई 20-25 रन कर दिया तो आज के मैच में फैंटेसी के सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले बंदा हो सकती है दीप्ति शर्मा। तो भाई आज के मैच में इनको आप क्या करोगे, ट्रम्प कार्ड बना सकते हो, और भाई इनका तरीका भी खेलने का ताबड़तोड़ मैच के हिसाब से कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, तो भाई मैं बोलूंगा एक तरह इनको अनुभव एक तरह एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी मिला जुला के तब आज के लिए भरोसेमंद प्लेयर हो सकती है दीप्ति शर्मा। ठीक है, अभी देखो भाई पूजा पवास्कर ये प्रॉपर ऑलराउंडर, लेकिन पिछले कई मैच से इनको आप देख रहे होगे लगातार ये बॉलिंग करा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो ये स्पिन गेंदबाजी करती है, ये स्पिन गेंदबाजी करती है, और भाई मैं बोलूंगा राइट हैंड स्पिन गेंदबाजी करती है, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, और भाई जिसके कारण इन्होंने अच्छा खासा विकेट भी लिया, और भाई इन्होंने रन भी बनाया। और भाई मैं बता दूं अगर इनसे आपको उम्मीद करना है, जिन भाई लोग को पूजा पोस्टकर से आज के मैच में उम्मीद करना है, हालांकि ऑलराउंडर है लेकिन भाई आज के मैच में अगर आपको उम्मीद करना है तो भाई आप किसे इनके बॉलिंग से करना, बैटिंग से उतना कुछ खास ना करना, क्योंकि भाई बैटिंग से अच्छे टच में नहीं दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आज के मैच में आपको फ्लॉप जाए, लेकिन पूजा पोस्टकर आपको बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दे सकती है। ठीक है, अभी तक देखो भाई राधिका यादव तेज तरार गेंदबाजी करती है। ठीक है, लेकिन भाई मैं बता दूं ये देखो भाई कैसी बॉल डालती है, भाई मीडियम प्रेशर बॉलिंग डालती है, मतलब मैं बता दूं ना ही बॉल को ज्यादा फास्ट फेंकती है ना ही बॉल को ज्यादा स्लो फेंकती है, मिला जुला की एकदम आपको मीडियम बॉल फेंकेंगे। और भाई मैं बता दूं अगर पिच से मदद मिलेगा तो भाई इनको विकेट
खेलना फिक्स है, तो अभी पिच के बारे में आपको बात करेंगे, तो अपने टीम में रखना ऐसा मिला के कंडीशन वीडियो समझ के, नहीं तो सीधा आज के मैच में इनको भी ड्रॉप मारोगे। ठीक है, अभी तक देखो मैं रेणुका सिंह भाई, देखो रेणुका सिंह भी कुछ ऐसा खास नहीं, पिछले कई मैच इन्होंने एक विकेट भी नहीं पाया, तो भाई सीधा आज के मैच में इनको ड्रॉप मारोगे। ठीक है, अभी देखो भाई श्रेयंका पाटिल में बताओ कॉन्स्टेंसी विकेट लेते जा रहे हैं, चपने मत बोलूंगा, अपने चार ओवर की स्पेल जो होते हैं ना भाई, अगर ये अपने चार ओवर को स्पेल पूरे फेंक देते हैं तो भाई मैं बता दूं आज के मैच में एक या दो विकेट की उम्मीद इनसे आप कर सकते हो, किससे, श्रेयंका पाटिल से, तो भाई आज के मैच में ये भी ताबड़तोड़ रहने वाली। तो भाई इधर देख लीजिए, हमने आपको किसके बारे में बता दें, इंडिया ओमैन प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बता, देख लो समझ लो। अब भाई चलिए जान लेते हैं किसके बारे में, यूनाइटेड अरब इमिटीज के प्लेइंग 11 ओमैन प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में, तो जान लेते हैं किसके बारे में। भाई देखो यूएई प्लेइंग 11 टीम न्यूज किसके बारे में, ओमैन भाई देखो लड़कियों के बारे में मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब भाई मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ भाई, ये देखो यू से होगा यूनाइटेड, ए से होगा अमर, ई से होगा इमेटेड, यूनाइटेड अमर इमेटेड। ठीक है, यूनाइटेड अमर इमेटेड बीएस प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लो कि भाई आज के मैच में आपको यूनाइटेड अरब इमेटेड की प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या देखने को मिलेगा, तो भाई ध्यान देखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। हालांकि ये जो प्लेयर है मेरे लिए अभी तो नए यूनाइटेड अरब ओमैन के, हो सकता है इनका नाम थोड़ा अटपटा है, जुबान पे ना है तो घबराइएगा नहीं, एडजस्ट करेंगे, पैसा कमाओगे सब एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर देखो ईचा शर्मा भाई, देखो ईचा शर्मा मैं बता दूं भाई, देखो ऑलराउंडर है ये, आपको तेज गेंदबाजी, आपको ये फास्ट गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और आपको ये ओपनिंग करते हुए बैटिंग नजर आएगी, मैं बोलूंगा। हालांकि ये ताबड़तोड़ बैट्समैन है, यूनाइटेड अरब की तरफ से ईचा घोष मैं बोलूंगा ताबड़तोड़ बैट्समैन है। ठीक है, अभी प्लेइंग 11 टीम न्यूज जान लो ताबड़तोड़ है भाई। इधर देखो ईचा शर्मा, अभी इधर देखो भाई त्रिता भाई, इधर देखो भाई, इधर त्रिता, इधर देखो सुटा फिरन भाई, इधर देखो रेनिता रजत, एस धरंद चंद्र का भाई, देखो नाम अटपटा है, मैं पहले ही बोल दिया था, एडजस्ट करना। ठीक है, भाई देखो कैसा कुमारी भाई, देखो ये ऑलराउंडर है कैसा कुमारी। ठीक है, ये भी आपको फास्ट, आपको तेज तरार गेंदबाजी, मतलब मैं आगे आपको इधर लिख दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो भाई फास्ट ये दोनों गेंदबाज फास्टर और ऑलराउंडर भी है। ठीक है, अभी इधर देखो लोनिन कुमार, फिर इधर देखो सी मेहंदेश, फिर इधर देखो आई नंद कुमारी, एच एच हेक्ट चंदनी रजिका रजत भाई, इधर देखो आपकी यूनाइटेड अरब प्लेइंग 11 टीम न्यूज को आपको देखने को मिलेगा। तो भाई मैं बता दूं आज के मैच में, मैं देखो आज के मैच में भाई इधर देखो ये जो कसीका और ये जो खुशी कुमारी, ये जो है भाई आज के मैच में परफॉर्म करने वाली है ताबड़तोड़ में, क्या जो मैं बोलूंगा भाई, देखो मैं इसके कोई सीखा भाई, इधर देखो कैसे का कुमारी के बारे में बता दूं भाई, देखो तेज तरार गेंदबाजी करती है और भाई की बैटिंग भी ताबड़तोड़ है, जबरदस्त बैटिंग करती है। मैं बता दूं एक तरफ से ये क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक तरफ से ये सेफ खेलती है। सेफ खेलने का मतलब है कि आज के मैच में आपको कोई पॉइंट दे ना दे, ये आपको पॉइंट दे सकती है। और भाई प्रॉपर क्या है, ये ऑलराउंडर है, ये अपने चार ओवर की स्पेल अगर आज के मैच में पूरे फेंक देती है तो भाई आज के मैच में एक या दो विकेट इसकी डिजर्व करेंगे कि आज के मैच में ये आपको लेके दिख सकती है। ठीक, अब यहीं पे देखो भाई खुशी कुमारी, भाई देखो खुशी कुमारी भी जबरदस्त बैटिंग करती है, लेकिन भाई मैं बता दूं ये हिटिंग वाली बैटिंग करती है, मतलब ये आपको कैमियो पारी खेलने वाली बैटिंग करेगी, मतलब आपको 10-5 बॉल में ये आपको 25 से 30, 45, 40 रन, मतलब आपको जो भी कैमियो पारी मैं आपको खेलते हुए दिख सकती है ताबड़तोड़। और भाई मैं इसे बता दूं ये बल्ले बहुत जोर से चलाती है, जोरों शोरों से चलाती है, तो भाई हो सकता है कि आज के मैच में कैमियो पारी भी खेल सकती हूँ, अपने विकेट भी दे सकती हूँ, कोई गारंटी नहीं है, मतलब मैं बोलूंगा ज्यादा भरोसेमंद वाला प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो भाई इधर देखिए हमने आपको किसके बारे में बता दिया, हमने आपको यूनाइटेड, भाई देखो यूनाइटेड यूएई, यू से होगा यूनाइटेड, ए से होगा अरब, ई से होगा इमेटेस, यूनाइटेड अरब इमेटेस ओमैन के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बताया, देख लो समझ लो भाई, देखो प्लेइंग 11 बताया, कुछ प्लेयर के बारे में बताया, देख लो समझ लो। चलिए भाई अब जान लेते हैं यूनाइटेड अरब इमेटेस वीएस इंडिया ओमैन के बीच में जो ये मुकाबला खेला जा रहा है, पांचवा एशिया कप भाई किस पिच पर खेला जा रहा है भाई, सबसे महत्वपूर्ण रोल है, मतलब जान जाओगे इस पिच जहाँ पे ये जो मैच खेला जा रहा है किस पिच पर खेला जा रहा है, तो भाई आपका सारा ज्ञान सारा काम वहीं पे हो जाएगा। तो चलिए जान लेते किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में जान लेते किसके बारे में, जान लो भाई पिच रिपोर्ट के बारे में भाई, जो इंडिया ओमैन वीएस यूनाइटेड अमर यूनाइटेड अरब इमेटेस के बीच में जो ये मुकाबला, मतलब इन दोनों के बीच में किस पिच पर ये मुकाबला खेला जा रहा है इसके बारे में जान लो भाई। इधर देखो पिच रिपोर्ट किस पिच पर खेला, श्रीलंका, मतलब श्रीलंका के पिच पर ये मुकाबला खेला जाए, तो भाई ध्यान से सुनिएगा श्रीलंका की पिच कैसा बिहेव करती, इंपॉर्टेंट है भाई। इधर देखो यह पिच गेंदबाजों के लिए माना जाता है, ठीक है, अभी इधर देखो दूसरी रन में इस पिच पर स्पिनर्स को काफी अच्छा दबदबा रहता है, मतलब एक बार आप रीड कर लो, मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी इधर देखो तीसरी रन में इस पिच पर तेज गेंदबाज को भी कुछ मदद मिलता है, क्या होता है कुछ का मतलब होता है कि फ्यू मदद मिलता है। ठीक है, अभी इधर देखो चौथी लाइन में
इस पिच पर भाई आपको ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा क्या होता है हाई HEI हाई स्कोर देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, क्यों अभी आगे क्लियर करता हूँ। अभी तक देखो पांचवी लाइन में इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है, गेंदबाजी करना पसंद करती है। देखो भाई समझो, हमने आपको किसके बारे में बताया, हमने आपको अभी आपको केवल आपको रीड करके सुनाया पिच रिपोर्ट के बारे में, लेकिन अब मैं क्या करूंगा आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझ लेना इम्पोर्टेंट है। भाई देखो यह पिच श्रीलंका का पिच है, ठीक है, ये श्रीलंका का पिच है। तो भाई देखो यह पिच गेंदबाजों के लिए माना जाता है, मतलब यह जो पिच है भाई गेंदबाजों को ज्यादा मदद करता है। मतलब क्या होता है भाई देखो गेंदबाजों को ये मदद करते, बल्लेबाजों को उतना खास नहीं करेगा। तो भाई जाहिर सी बात है जिस पिच पर गेंदबाजों को मदद करेगा तो उस पिच पर जो भी बल्लेबाज गेंदबाज आएंगे आपको जलवा बिखेर के चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखो दूसरी लाइन में इस पिच पर स्पिनर्स का काफी दबदबा रहता है, मतलब इस पिच पर भाई देखो यह पिच गेंदबाजों का पिच माना जाता है, लेकिन किस गेंदबाज को ज्यादा विकेट मिलते हैं इस पिच पर, भाई देखो किसको, स्पिनर को काफी अच्छा मतलब विकेट मिलते हुए नजर आएगा। ठीक है, मतलब कंपेयर टू तेज गेंदबाज, भी आगे सुनो भाई देखो इस पिच पर तेज गेंदबाज को भी कुछ मदद मिलता है, मतलब कुछ अगर 100% में से बात की जाए तो मैं बता दूं 75% स्पिन गेंदबाज बिगड़ लेते हैं, और भाई जो 25% रहता है तो क्या करते हैं ये फास्ट गेंदबाज बिगड़ लेते हैं। तो भाई देखो समझ लिए, ताबड़तोड़ हो गया। अभी तक जान लो चौथी रन में इस पिच पर भाई आपको ज्यादा बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई, जाहिर सी बात है जो ये पिच गेंदबाजों को मदद कर रही है और क्या कर रही है, और स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद कर रही है, तेज गेंदबाज को थोड़ा कम। मिला जुला के इस पिच पर आपको गेंदबाजों का दबदबा बना हुआ रहेगा, किस पे, बल्लेबाजों पे। तो भाई आपको कहां से हाई स्कोर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको मैं बोलूंगा स्मॉल स्कोर इस पिच पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो भाई इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है, गेंदबाजी करना पसंद करती है। जानती है भाई इस पिच बल्लेबाज गेंदबाजों को मदद मिलता है, तो भाई जल्दी से विकेट गिरा के कम रन पे स्कोर करके मैच को चेस कर लिया है। तो भाई देखिए हमने आपको किसके बारे में बता दिया, श्रीलंका के पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया। अब भाई चलिए जान लेते हैं किसके बारे में, T20 मतलब इस पिच का, भाई T20 मतलब अभी तक इस पिच पर T20 के टोटल मैच कितने खेले गए, कौन कितनी बार मैच को जीता है, कौन कितनी बार मैच को हारा है। तो चलिए जान लेते किसके बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में जान लेते किसके बारे में, भाई श्रीलंका के स्कोरिंग पैटर्न के बारे में जान लो कि भाई अभी देखो इस पिच पर किसके, भाई देखो T20 के अभी तक इस पिच पर T20 के टोटल मैच किसने खेले गए, 6 मैच खेले गए, जिसमें से भाई देखो बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को 4 बार जीता, वहीं पे देखो भाई बॉलिंग करने वाली टीम ने मैच को 2 बार, मतलब मिला जुला क्या पता चल रहा, बैटिंग करने वाली टीम ने इस मैच को कितने बार जीता, 2 बार। तो मतलब इस पिच पर आपको बैटिंग करने वाली टीम हो सकता है मैच जीते हुए दिख सकती हो। ठीक है, वहीं पे देखो भाई फर्स्ट इनिंग में स्कोर, भाई इस पिच पर जो भी टीम पहली इनिंग में बैटिंग करने आएगी लगभग आपको इस पिच पर कितने रन स्कोर देखने को मिल सकते हैं बोर्ड पे, तो भाई इधर देख लो आप 159 रन तक लगभग आप उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो भाई 2 स्कोर, भाई इस पिच पर जो टीम दूसरे इनिंग में बैटिंग करने आती है वो लगभग कितने रन का स्कोर का पीछा कर लेती है, तो भाई देखो आपको लगभग 159 रन तक देखने को मिल रहा है, टीम लगभग 140-141 रन तक पीछा कर लेती है। तो भाई देखो बहुत भाई लोग होते हैं कि भाई पूछते हैं कि भाई जो होता है 20 ओवर का सेशन कितना रन यस करे, कितना रन सेंड का करे, नोट करे इसके बारे में। तो भाई देखो आज के मैच में बता दूं, अगर आपको भाई देखो 140 से लगा 120 के बीच में आपको जो भी सेशन दिख गया तो सीधा सेशन क्या करोगे, नोट मारोगे। लेकिन भाई अगर आपको 150 से लगा 200 के अंदर मतलब 150 ही कितना भी आपको ऊपर सेशन दिखाए 20 ओवर में, तो सीधा सेशन क्या करोगे, नॉट मार के पैसे कमाओगे। ठीक है, अभी इधर देखो भाई हाईएस्ट टोटल स्कोर, अभी तक इस पिच पर टोटल 6 मैच खेले गए जिसमें से एक मैच सबसे क्या रहा भाई, सबसे हाईएस्ट रहा भाई कितना भाई देखो 209 रन पे 5 विकेट। ठीक है, अब यहीं पर ये देखो भाई लोवेस्ट टोटल स्कोर, इस पिच का सबसे घटिया स्कोर कितना रहा, मतलब सबसे लोवेस्ट स्कोर कितना रहा भाई इधर देखो 115 रन पे 10 विकेट। तो भाई देख लो समझ लो, हमने आपको किसके बारे में बता दिया, हमने आपको बता दिया स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। भाई देखो अगर आप जान जाओगे हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड तो भाई आपको एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कि भाई जो कौन सी टीम जो है मजबूत है, कौन सी टीम जो कमजोर है। तो चलिए जान लेते किसके बारे में, इस हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में जान लेते किसके बारे में, भाई इधर देख लो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में, भाई इधर देख लो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड। भाई देखो अभी तक इंडिया ने इंडिया ओमेन ने अभी तक यूनाइटेड अरब स्टेट से कितने बार मैच को जीता है, एक बार। यहीं पे भाई देखो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने कितने बार मैच को जीता है, 0 बार। मतलब मिला जुला क्या पता चल रहा है भाई, जो इंडिया टीम है क्या भाई एक बार मैच को ज्यादा वो ऑन किया, तो इंडिया क्या मजबूत टीम है, तगड़ी टीम है, खतरनाक टीम है, पावरफुल टीम है। ठीक है, तो भाई देखो एक चीज मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस लेके आया हूँ, भाई ध्यान सुनना। भाई देखो ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन, मतलब ड्रीम इलेवन पे जीतने का तरीका क्या, ध्यान सुनिएगा इम्पोर्टेंट है। भाई इधर देखो इंडिया ओमेन टीम है सुपर हैंड ओवर टीम, यूनाइटेड अमर इमिटी टीम सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर
इंडिया। मतलब भाई मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, ये ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन में क्या बताना चाह रहा हूँ, तो भाई ध्यान सुनना भाई। तो इस लाइन में मैं आपको ये लिखा हूँ कि भाई जो इंडिया टीम है क्या मजबूत टीम है, किससे? यूनाइटेड अमर इमिटेड से। तो भाई अब जो टीम बनाओगे कॉम्बिनेशन क्या क्या करोगे, तो भाई मैं बता दूं, देखो भाई 7 vs 4 का आपका कॉम्बिनेशन करोगे, ठीक है, जिसमें से भाई आपके जो भाई ये चार प्लेयर रहे, सॉरी ये जो 7 प्लेयर रहेंगे ये आपके किसके रहेंगे, ये आपके रहेंगे इंडिया के, और भाई ये जो 4 प्लेयर रहेंगे किसके रहेंगे, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के रहेंगे, ठीक है। तो आप भाई देखो 7 और ये 4 आपके मिल्क होगा 11, तो ये आपके ड्रीम टीम तैयार हो जाएगी, देख लो। अब भाई चलिए आप जान लेते हैं किसके बारे में, अब जान लेते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में, जान लेते हैं किसके बारे में भाई। देखो प्लेयर प्रेडिक्शन किसके बारे में, बैटर के बारे में जान लो, किसके इंडिया के बैटर के बारे में जान लो कि भाई अब किस बैटर के ऊपर क्या करोगे, 25 रन के सेम क्या करोगे यस करोगे, और किस बैटर के ऊपर 25 रन क्या करोगे नॉट करोगे, इसके बारे में जान लो। हाँ और ना में जो आप देखिए पैसे कमाओ हमारे इस वीडियो के मदद से। अब इधर देखो भाई दीप्ति शर्मा आज की मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय, सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय दोनों इनिंग में 25 रन सेम क्या करोगे, आप यस करोगे, ठीक है। अब यहीं पे मान लो स्मृति मंदना पे आपको सेशन आ गया कि भाई आज के मैच में क्या कितना रन यस नो करे, तो भाई आज के मैच में बता दो अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो भाई 25 रन सेम क्या करोगे नॉट करोगे, लेकिन जब ये दूसरे इनिंग में बैटिंग करती है तो 25 रन सेम क्या करोगे यस मार के पैसे कमाओगे, ठीक है। अब यही देखो पूजा पौस्कर आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय, सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय इन पे दोनों इनिंग में 25 रन क्या करोगे यस करोगे, ठीक है। वहीं पे देखो भाई बॉलर इंडिया का कौन सा बॉलर है जो कि भाई आज के मैच में कितना 2 से 3 विकेट ले आता हुआ नजर आ गया, तो भाई देखो पूजा पौस्कर आज के मैच में आपको 2 से 3 विकेट ले आते हुए दिखेंगे। तो भाई देख लो समझ लो हमने आपको बता दिया किसके बारे में, हमने आपको इंडिया प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में बता दिया। अब भाई चलिए जान लेते किसके बारे में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते किसके बारे में भाई। देख लो प्लेयर प्रेडिक्शन किसके बारे में, बैटर के बारे में जान लो, किस बैटर के बारे में, यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के बैटर के बारे में जान लो, किसको 25 रन यस करना है किसको नो करना है। तो भाई आज के मैच में ईचा रोहित के मैच में फर्स्ट बोल दूं फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे, सेकंड इनिंग बैटिंग करे, दोनों इनिंग में 25 रन सेम क्या करोगे यस कर दोगे, ठीक है। ए पे मान लो खुशी शर्मा आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय 25 रन सेम यस, दूसरे इनिंग में बैटिंग करते समय 25 रन सेम क्या करोगे नॉट मारोगे, ठीक है। यही पे देखो भाई कौशिकी कुमारी आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते समय 25 रन सेम नॉट, लेकिन दूसरे इनिंग में बैटिंग करे तो भाई 25 रन सेम क्या करोगे यस मार के कमाओगे, ठीक है। वहीं पे देखो भाई बॉलर यूएई का कौन सा बॉलर है जो कि आज के मैच में आपको 2 से 3 विकेट ले आता हुआ दिखेगा, तो भाई ये देखो ईचा रोहित आज के मैच में आपको 2 से 3 विकेट ले आते हुए दिख सकते, देख लो समझ लो हमने आपको बता दिया यूनाइटेड अरब प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में। चलिए भाई अब जान लेते हैं किसके बारे में, द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में। अब जान लेते हैं किसके बारे में भाई, इधर देखो द बेस्ट चॉइस, भाई इधर देखो द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जान लो भाई। मैं जो 5 प्लेयर लेके आई है भाई, पांचों प्लेयर इंपॉर्टेंट आपकी टीम में रहना, इन पांचों का पहले हम नाम सुन लो भाई, इधर देखो इन पांचों का प्लेयर इंपॉर्टेंट नाम सुन लो भाई, इधर देखो स्मृति मंदना, दीप्ति शर्मा, पी पौस्तकर, रिचा शर्मा, खुशी कुमारी, सॉरी खुशी शर्मा, ये 5 प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, आप वो अपने टीम में रखोगे। मैं बता दूं जिस प्लेयर को आप ड्रॉप मारोगे बैटर को, वो आज के मैच में आपको 100 रन या फिर मैं बोलूंगा ताबड़तोड़ करने वाला, और जिस बॉलर को ड्रॉप मारोगे आज के मैच में वही बॉलर आज के मैच में आपको 2 से 3 विकेट ले आते हुए दिखेगा। तो भाई देख लो आज के मैच में ये 5 प्लेयर इंपॉर्टेंट है आपके टीम में, ये 5 प्लेयर होना जरूरी है, कौन से नाम सुन लो एक बार, स्मृति मंदना, दीप्ति शर्मा, पी पौस्तकर, रिचा शर्मा, खुशी शर्मा, ये 5 प्लेयर इंपॉर्टेंट। लेकिन भाई आज के मैच में मेरा क्या ओपिनियन है, मैं किसको कैप्टन, मैं किसको आज के मैच में वाइस कैप्टन करूंगा, तो भाई ये देख लो आज के मैच में मैं बता दूं पी वस्तकार को कर दूंगा वाइस कैप्टन और स्मृति मंदना को कर दूंगा कैप्टन। तो भाई देखो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा ये रहेगा। और भाई मैं आपको बता दूं भाई देखो आज का क्या, आज का टॉस, और यहाँ पे देख लो भाई आज का क्या है मैच, भाई जो टॉस है आपका जीतेगा कौन, यूएई आपका टॉस जीतेगा, और भाई मैच कौन जीतेगा अपना इंडिया, देख लो भाई टॉस और मैच दोनों बता दिया। चलो भाई आज के वीडियो को रखता हूँ यहीं तक, मिलता हूँ फिर किसी एक नए मजेदार ताजी फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर।